मैक्सवेल की तूफानी पारी, दो बल्लेबाजों के शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से लगातार चौथे वनडे हारा पाकिस्तान। ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी पारी और उस्मान ख्वाजा के शानदार अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शुक्रवार को दुबई में खेले गए चौथे वनडे 6 रन से हराते हुए 5 वनडे मैचों की सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त बना ली है। ये ऑस्ट्रेलिया की लगातार 7वीं वनडे जीत है, जो वर्ल्ड कप 2019 से पहले टीम के लिए अच्छा संकेत है। ऑस्ट्रेलिया के जीत के लिए मिले 278 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान के लिए आवेद अली और मोहम्मद रिजवान के शतक जमाए और एक समय में 218 का स्कोर बना लिया था, लेकिन इसके बावजूद वह 50 ओवर में 271 का ही स्कोर बना सके। आवेद और रिजवान के शतकों के अलावा पाकिस्तान के लिए हैरिस सोहेल को छोड़ बाकी कोई बल्लेबाज दहाई अंक तक नहीं पहुंच सका। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन ने 53 रन देकर 3, मार्क स्टोइनिस ने 20 रन देकर 2 और केन नाथन, लियोन और एडम जंपा ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बैटिंग के लिए उतरे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिच और उस्मान ख्वाजा ने शानदार शुरुआत दिलाई। पहले विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की ख्वाजा ने 62 रन और फिच ने 39 रन बनाए। हालांकि एक समय ऑस्ट्रेलिया ने 140 के स्कोर पर 5 विकेट गवा दिए थे, लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 82 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 98 रन और एलेक्स कैरी ने 67 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 55 रन की दमदार पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पर 277 रन पहुंच गया, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हुआ। IPL 2019 में कौन सी टीम जीतेगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।